अक्षय कुमार की मूवी ओ माय गॉड 2 पर बीते कुछ दिनों से तलवार लटक रही है। मूवी सर्टिफिकेट देने वाली संस्था CBFC ने फिल्म को रोक दिया था। उन्हें चिंता थी कि फिर से आदि पुरुष जैसा बवाल ना हो जाए। CBFC की कमेटी ने रिवाइजिंग कमेटी को मूवी देखने को कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक मूवी के मेकर्स चाहते थे कि 31 जुलाई तक मूवी सेंसर बोर्ड से क्लियर हो जाए ताकि मूवी की ओरिजिनल रिलीज में अड़चन ना आए। CBFC ने अब अपनी तरफ से बदलाव सुझा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो CBFC की रिवाइजिंग कमेटी ने मेकर्स को 20 कट लगाने को कहा है। मूवी के वीडियो और ऑडियो में ये काट छाट करनी होगी। CBFC का कहना है कि ये कट होने के बाद मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, यानी मूवी को सिर्फ और सिर्फ एडल्ट ही देख पाएंगे, बच्चों की सिनेमाघरों में एंट्री नहीं होगी। इससे मूवी को बड़ा नुकसान होगा, बच्चों के साथ साथ फैमिली ऑडियंस भी मूवी से दूर हो जाएगी। इस वजह से मेकर CBFC के फैसले से खुश तो नहीं है। वो मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट देने से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि सेक्स एजुकेशन जैसा टॉपिक सभी को देखना चाहिए और मूवी का फर्स्ट पार्ट OMG भी बच्चों के बीच खासा पॉपुलर है। एक किड फ्रेंडली फ्रेंचाइजी की मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट देना सही नहीं लगता। दोनों पार्टियां अभी किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाई हैं। ये देखना होगा कि दोनों कितनी जल्द रेडी हो जाती है ताकि मूवी को 11 अगस्त को रिलीज किया जा सके। अक्षय ने साल 2022 में रेड सी फेस्टिवल में अपनी आने वाली मूवी को लेकर डिटेल शेयर किए थे। उन्होंने कहा कि उनकी अगली मूवी सेक्स एजुकेशन पर होगी। उन्होंने कहा था कि हर स्कूल में ये टॉपिक होना चाहिए। अक्षय ने तब बातचीत में कहा था कि ये मूवी 2023 की अप्रैल या मई में आएगी, लेकिन प्लान बदल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाए जा रहे थे कि OMG 2 ही वो सेक्स एजुकेशन वाली मूवी है। खैर, अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं OMG 2 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें, सेफ रहें। बाय।